सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस के कैरेक्टर हॉब्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हॉब्स की एक स्पिन ऑफ मूवी आने वाली है। जी हाँ, फास्ट एंड फ्यूरियस के इस कैरेक्टर की एक सोलो मूवी आने वाली है, जिसे लेकर काफी झगड़े भी हुए हमारे ड्वेन जॉनसन और टायरेसी गिब्सन के बीच में। लेकिन अब टायरेसी गिब्सन इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते। तो अब इस फिल्म को लेकर अपडेट ये आए है कि जी हाँ, ये फिल्म जरूर बनने वाली है। यहाँ तक कि रूमर ये है कि इस फिल्म की रिलीज डेट भी कंफर्म है और वो रिलीज डेट है July 26, 2019। जी हाँ, अब ये सिर्फ एक रूमर है कि इसी डेट पर ये फिल्म रिलीज होगी। और बात करें इस फिल्म की कास्टिंग की, तो इस फिल्म में हमारे ड्वेन जॉनसन और जेसन स्टैटम नजर आने वाले हैं। तो ये दो बड़े कैरेक्टर इस फिल्म में हैं। साथ ही साथ हमारे ड्वेन जॉनसन ने ये भी कहा कि अगर ये फिल्म बनेगी तो ये फिल्म फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगी, जिसके चलते वो इस फिल्म को काफी इंजॉय करेंगे। वेल, तो आपकी क्या राय है कि सच में ये फिल्म बनेगी या नहीं? मुझे तो लगता है कि यूनिवर्सल इस फिल्म को जरूर बनाएगा, क्योंकि हमारे ड्वेन जॉनसन और जेसन स्टैटम को फैंस एक सोलो मूवी में भी देखना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है यूनिवर्सल के लिए कि वो इन दो कैरेक्टर को लेकर एक अलग फिल्म बनाए। वेल, तो मुझे ये काफी पसंद आएगा कि ये दो कैरेक्टर हमें एक अलग मूवी में देखने मिलेंगे। आपको ये दो कैरेक्टर अगर अलग मूवी में देखने मिलेंगे तो कितने पसंद आएंगे, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।